मनकूल है, बंदे की कब्र में वैसी ही इत्मीनान और सुकून वाली हालत और कैफियत होगी जैसी उसकी नमाज के दौरान हुआ करती थी, और अपनी उस आखिरी आरामगाह में वो वैसी ही राहत पाएगा जैसी हालत नमाज में पाता था। तो अजाब कब्र से बचने के लिए और कब्र में उस वहशत वाले घर में आराम और सुकून हासिल करने के लिए खुशू खुजू के साथ और पाबंदी वक्त के साथ नमाज अदा फरमाइए।